के गुलशन बिलाल में सारा नाला जो है बाहर बह रहा है, आवाम बहुत परेशान है। अब ये देखो यहाँ कैंप लगा हुआ है और सारा इस जगह पे रोड के ऊपर सफाई हो रही है, जो नाम से सफाई हो रही है। पीटीआई के लोग दावा करते करते कि अर्धूर से लगाए इलाके ने, जी सर पीटीआई के लोग दावा करते करते थोड़ा काम कराया, कुछ भी काम नहीं कराया सर, उसी ने कुछ भी नहीं कराया। ये इन्होंने को एक डम हो गया, डब्बा हो गया, सारा इलाका हमारा डूब गया। 1.30 करोड़ इन्होंने को दिले थे इलाके की तरक्याती के लिए, वो कैसे कहाँ गए? फौज ने अपना घर बना दिया होगा और कहाँ गए होंगे। और एनटीए को 80 करोड़ दिले, वो कहाँ गए? उसने भी अपनी गाड़ियाँ ली हों कि पाकिस्तान का यही निज़ाम है। सारी डूब रही है, मर रही है, 37 के पानी में कोई हाल नहीं है, बीमारियाँ फैल रही हैं, मच्छर फैल रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई परेशान हाल नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं गंदगी है, ना लेडीज घूम सकती है ना जींस घूम सकती है। ये जीटीआर सफाई का थोड़ा दावा कर रहे हैं, जल्द सफाई करा रहे हैं, सफाई ये सारी पब्लिक आ गई है। ये जवान आ गया 18 साल का, ये देखो 16 साल का, जैसे खाली फोटो खींचन वाले अच्छा तस्वीर दिलाने वाले काम करने वाले नहीं हो। चल भाई नाले में बच्चा गिर गया, बच्चे